सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोको की तरफ से लॉन्च होने वाले एक न्यू 5G स्मार्टफोन की। ये स्मार्टफोन चाइना मार्केट के अंदर रेडमी नोट 11T प्रो प्लस के नाम से लॉन्च हो चुका है और अब रीब्रांड करके इंडियन मार्केट के अंदर इस स्मार्टफोन को पोको X4 GT के नाम से लॉन्च किया जाएगा। बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर पोको X4 GT स्मार्टफोन को। अगर कंपेयर करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की तो आपको बिल्कुल सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिले थे रियलमी GT न्यू 3 स्मार्टफोन के अंदर और वन प्लस की तरफ से वन प्लस 10R के अंदर। बस फर्क इस बात का है कि वहां पर प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली थी और लेकिन पोको X4 GT के अंदर आपको प्राइसिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी रियलमी GT न्यू 3 स्मार्टफोन एंड वन प्लस 10R के मुकाबले में। सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोको X4 GT 5G स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड फीचर की और ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर एंड इसके प्राइस क्या होने वाले हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले फोन के बिल्ड क्वालिटी से। तो फ्रंट में आपको ग्लास मिल जाएगा, बैक में आपको प्लास्टिक का बैक देखने को मिलेगा एंड प्लास्टिक के फ्रेम के साथ आने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। सो गाइस अगर बात करें इसके डिजाइन की तो डिजाइन भी काफी बढ़िया है, डिजाइन बिल्ड क्वालिटी से आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आने वाली। सो गाइस अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी मैट A+ सर्टिफिकेशन के साथ। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया मिलने वाली है, यहां पर आपको शिकायत नहीं आएगी 144GHz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो रिफ्रेश रेट में आपको कमी नहीं मिलने वाली, HDR 10+ की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, डल्बी विजन की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें ब्राइटनेस की तो 650 निट्स की यहां पर पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है, ब्राइटनेस काफी बढ़िया होगी, इंडोर आउटडोर काफी अच्छा वर्क करेगी। 407 PPI यानी कि पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी और गेमिंग के लिए यहाँ पर 270GHz का यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेशो देखने को मिलने वाला है। तो गेमिंग आप मक्खन की तरह कर पाएंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आने वाली। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाएगी, सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा आपको डिस्प्ले में, व्यू एंगल काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं, ट्रू कलर होंगे डिस्प्ले में। तो ऑनलाइन कंटेंट वॉच करने, गेम खेलने एंड वीडियो एडिटिंग करने के मामले आपको इस डिस्प्ले से बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली, डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है यहाँ पर। सो गाइस अब बात करते हैं फोन में परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगी मेयरटेक की तरफ से, मेयरटेक डिमेंसिटी 8100 की जो कि एक 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बनी हुई चिपसेट है और एक फ्लैगशिप प्रीमियम चिपसेट देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको पावरफुल परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अगर बात करें CPU परफॉर्मेंस की तो ऑक्टाकोर CPU परफॉर्मेंस मिलेगी 64 bit वाली एंड 2.85GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ। तो CPU परफॉर्मेंस भी आपको पावरफुल मिलेगी एंड परफॉर्मेंस भी आपको पावरफुल मिलेगी, गेमिंग आप अच्छी कर पाएंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। अगर बात करें ग्राफिक्स की तो गेमिंग को संभालने के लिए यहाँ पर आर्म माली G610MC6 GPU देखने को मिलेगा, काफ़ी फास्ट स्मूथ रेंडरिंग के साथ आएगा। तो गेमिंग में जो ग्राफिक्स मिलती है वो काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है यहाँ पर आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आने वाली। UFS 3.1 वर्जन वाला स्टोरेज एंड LPDDR5 वर्जन वाला रैम टाइप देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। सो गाइस अब बात करते हैं फोन में मेन कैमरे की, तो मेन कैमरा आपको एवरेज देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। 4K रेजोल्यूशन में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps 60fps और 120fps पर, वो भी 1080 पिक्सल पर। सेल्फी कैमरे की बात करें तो पंच होल के साथ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 30fps एंड 60fps पर 1080 पिक्सल पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा सेटअप यहाँ पर एवरेज देखने को मिलने वाला है। फोन में सिक्योरिटी की बात की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलेगा। अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5080mAh की बैटरी प्लस 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और USB Type-C पोर्ट मिलेगा आपको चार्जिंग के लिए। आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 और MIUI 13 वर्जन देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ देखने को मिलेंगे लेकिन आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे तो इस बात में ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली। सो गाइस अब बात करते हैं अदर कनेक्टिविटी की, तो वाईफाई 6 मिल जाएगा, वो भी डुअल एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन मिल जाएगा, NFC सपोर्ट होगा ये स्मार्टफोन और IP रेटिंग 53 के साथ आएगा यानी कि डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी होने वाला है ये स्मार्टफोन। अगर बात करें ऑडियो क्वालिटी की तो डल्बी एटमोस साउंड क्वालिटी के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, तो ऑडियो क्वालिटी काफी बढ़िया मिलने वाली है यहाँ पर आपको शिकायत नहीं आएगी। ये स्मार्टफोन 2 वेरियंट में आएगा, 8GB 128GB एंड 8GB 256GB। अगर बात करें 5G सपोर्ट की तो यहाँ पर आपको 5G के 8 से 10 बैंड 5G के देखने को मिलने वाले हैं लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया। डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे लेकिन माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला इस
स्मार्टफोन के अंदर 3.5 ऑडियो जैक देखने को जरूर मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। सो गाइस ये थे पोको X4 GT 5G स्मार्टफोन की कंफर्म स्पेसिफिकेशन। सो गाइस अब बात करते हैं फोन की रिलीज डेट यानी कि लॉन्चिंग डेट की। तो पोको X4 GT 5G स्मार्टफोन और पोको F4 5G स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट के अंदर 23 जून को ऑफिशियल लॉन्च किए जाएंगे। इंडियन मार्केट के अंदर पोको F4 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। तो पक्का है कि पोको X4 GT 5G स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट के अंदर जुलाई में लॉन्च किया जाएगा पोको की तरफ से। सो गाइस अब बात करते हैं पोको X4 GT 5G स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की। तो ये स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड है कि एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर 25,000 से 28,000 के बीच में। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।